भिंड जिले में हुए उपचुनाव से पहले सरकार ने गोहद विधानसभा में 8 करोड़ से ज्यादा की राशि विकास कार्यों के लिए भेजी थी। नगर पालिका ने विकास कार्यों की आधारशिला रखकर निर्माण कार्यों के टेंडर निकलवाकर काम भी शुरू करवा दिया था। शुरू किए गए कार्यों का भूमि पूजन 13 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोहद के तत्कालीन विधायक रणवीर जाटव और पूर्व विधायक लाल सिंह आर्य के द्वारा किया गया था, जिसमें से लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। लेकिन उपचुनाव में भाजपा का उम्मीदवार हारने के बाद सरकार ने विशेष राहत पैकेज के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए वापस मांग लिए। शासन से आए पत्र से नगरपालिका और ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। जो पत्र आया है उसमें गोहद नगरपालिका से 8 करोड़ 12 लाख रुपए और नगर परिषद से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वापस करने को कहा गया है। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया इसे विकास को अवरुद्ध करने वाला निर्णय बता रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को जनता में भेद करने वाला बताते हुए कहा कि जहां कांग्रेस के विधायक जीते हैं, क्या वहां विकास कार्य नहीं कराए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 812 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गोहद के लिए स्वीकृत की थी, और गोहद के वो उपचुनाव हारने के बाद पत्र आया है नगरी प्रशासन कमिश्नर के द्वारा कि वो धनराशि वापस कर दी जाए। और मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ राशि वापस भी ले ली गई है। यह बताता है कि किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वह जनता जनता में भेद कर रही है। जनता जो भाजपा को वोट दे उसको पैसा दिया जाएगा, और जो भाजपा को वोट नहीं दे उसको दिया हुआ पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या गोहद की जनता का विकास नहीं होना चाहिए? अक्टूबर में उपस्थित हुआ नगर पालिका गोहद में, इससे पूर्व ही शासन की ओर से विशेष निधि के रूप में विकास कार्यों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। जो कार्य प्रारंभ हैं उनकी राशि हमने 3 करोड़ के लगभग वापस कर दी है। शेष राशि से जो काम चालू हो गए वो शासन से निवेदन किया गया।